10 टमाटर में एक आलू डालकर सब्जी बनाओ तो वह आलू टमाटर की सब्जी कहलाती है, मगर पनीर में 2 टमाटर और प्याज झोंक भी दो तो भी ओ पनीर की सब्जी कहलाती है। उसी प्रकार जीवन में आपका अस्तित्व अपनों के बराबर वालों के साथ ही है। अपने से बड़ी जगह पर आपकी अस्तित्व को नकार दिया जाएगा, जैसे आलू टमाटर की सब्जी और पनीर की महत्ता को तरजीह दी गई है। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, दिमागी लोग ही इस बात को समझ पाएंगे, कम दिमाग वाले तो इसे मजाकिया लहजे में लेंगे। जिसके पास दिमाग होगा तो इस वीडियो को जरूर देखेगा और इस पर रिएक्ट जरूर करेगा, रिएक्शन कुछ ना कुछ तो जरूर देगा। मैंने अपनी सोच के मुताबिक आप लोगों के बीच में इसे शेयर किया है, आपकी मर्जी, आप देखेंगे तो भी सही, नहीं देखेंगे तो भी सही, मेरी कोई जोर जबरदस्ती आप लोगों से नहीं है। आज तक मैंने कोई भी वीडियो आप लोगों के बीच शेयर किया हूँ, कोई बेनिफिट आप लोगों से मांगा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिक तौर पर केवल ईश्वर को मानता हूँ। ईश्वर हमें बना कर भेजे हैं, उन्हीं की महिमा के सहारे मैं चलता हूँ, भविष्य में चलूँगा। आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं, आप कुछ भी करते हैं उसमें भगवान का हाथ जरूर होता है, आप माने न माने इस पर मुझे तर्क वितर्क करने की ताकत औकात नहीं है। फिर भी मैं जिस तरह से चलता हूँ, रास्ते में भगवान मेरा साथ देते हैं, उन पर मुझे विश्वास रहता है। हर एक मनुष्य को रखना भी चाहिए, सीधा लाठी कपार पर रखने से किसी का सर फट जाए, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर कोई भी कदम उठाए। इंसान रूप में भगवान आपको भेजे हैं तो आप चलने से पहले दाएं बाएं आगे पीछे जरूर देखें, परख रखते हुए रास्ते को क्रॉस करेंगे तो गिरने की संभावना कम होती है। चलिए विशेष का बोलूं, जो मेरे आत्मिक
प्रभाव ने आप लोगों के बीच जो कुछ भी छोड़ा उसे आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद।